and welcome back to our YouTube channel Reaction Side. मैं आशु, मैं मीनाक्षी. So here we both are back again with another reaction video on समझ में आया क्या by Amivya Bantaya sir. चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना, डू हिट द बेल आइकन आल्सो टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस. और हमारे सेकंड चैनल दैट्स द डेली गर्ल्स, उसको भी जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो. जब उस पर 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे फिर हम उस पर स्पाइसी कोरियन नूडल्स चैलेंज अपलोड करेंगे विद चॉपस्टिक्स, और जो हार जाएगा उसको परी से पनिशमेंट में मिलेगी. तो जाओ जाके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ लेट्स स्टार्ट. समझ में आया क्या? क्या पैसे? रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बी ऑनेस्ट विद अंडरग्राउंड एनीवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ. वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शूज के मिलेंगे. ये वॉइस सुनते हैं मिलेंगे. रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमीवे कमाया क्या. मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया वो सारा पैसा बनता है, तूने लगाया क्या. मैंने कमाया क्या, मैंने गवाया क्या, मांगने को पैसा मैं घर तेरे आया क्या. हमें आया था तोहफा साथ लाया था, भाई मानता था और तूने बताया क्या. एमीवे कमाया क्या, मैंने जनता कमाया छोटे. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? 101% on the biggest. My nigga. Chill. Vivian Divine ने भी बोला था पार्टी में एमीवे पैसा कमाया क्या. 101 टक्का तू खुद को बड़ा बोले. मजाक है क्या? लेबल से आने के बाद तेरा काम बना, लेकिन मेरा नाम और बंटाई से बना क्या. बिगेस्ट है तो तेरे सामने ही, बहुत सारे वोट्स के साथ पीपल चॉइस अवार्ड उठाया क्या. साइन होना बुरा नहीं, लेकिन मेरे होते हुए खुद को बड़ा बोलना नहीं. बोलने का है तो फिर असली इंडिपेंडेंट बन के दिखाने का, सोना चढ़ाने का, गहना लगाने का, हर महीना मेरे जैसा बंटाई वीडियो बनाने का, कुल्फी रैपरों को कुल्फा कराने का. समझ में आया क्या? क्या बोलने का बनता है. और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है? MC Stan. कुल्फी रैपर MC Stan. ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा, मुर्गी का टंगड़ा, मम्मा मम्मा का जादू पी, एक काम कर आके मेरा मूत पी, बस नाके पे और MC Stan तू मेरे छाटे पे, तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे. समझ में आया क्या? आया क्या एलियन के शक्ल के? आला जादू. अबे मेरे माँ बाप नहीं बोलते पैसा दे घर पे, तू काहे को टेंशन ले रहा तेरे सर पे. 22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ, तू जहाँ पे है उससे भी वहाँ पे हूँ. आके देख जरा कैसे मैं जीता हूँ, बिना शोज किए महंगी चीजें खाता पीता हूँ, जीता हूँ, दिखावा नहीं करता, चुप रहता हूँ मैं, धावा नहीं करता तो फायदा उठा रही ली पब्लिक. बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ, तकलीफ तो होनी है, बंटाई हटेला है, जो भी एड़े चाले करता खुले आम पेला है. खेला है खेल मैंने खुद के तरीके से, सबके फ्लो एक ही तरीके के, सबको पता है कौन खुद के बलबूते पे, नंगे पैर निकला था लेकिन आज जूते पे. जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, सब कुछ मेरे खुद के कमाई का. गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी मैं स्कूटी पे, क्यों? क्योंकि अलग वजब तेरे भाई का. मुझसे कोई नीचे नहीं, मुझसे कोई ऊपर नहीं, मुंबई की बोली में रैप करना तुझसे नहीं, मुझसे और नेजी से सीखे ले, फिर जाके लिखे ले, तब जाके दिखे ले. समझ में आया क्या? ये लोग ने पैसा कमा लिया, सब कुछ बना लिया, 4-5 साल के लिए मिलेंगी तालियां, उसके बाद गायब हो जाते बेचारे. इन्हें आर्टिस्ट ना बोलो, इन्हें बोलो विजय माल्या. समझ में आया क्या? ये पैसे के पीछे हाँ पागल है, इसलिए मुझे से ना खड़ा कर पाएंगे एम्पायर. मेरा ही स्टेडियम, मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स, और मैं खुद ही एम्पायर. बैटला बॉल डाल, बॉल डाल, ये डिस गाना नहीं है. जिस जिसको लग रहा है ये डिस गाना है, ये डिस गाना नहीं है, ये सच्चाई गाना है. सच्चाई बोले ले अपुन, बहुत दिन शांत थे लेकिन अभी और शांत नहीं रहूंगा. मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, और कोई है क्या यहाँ पे? है तो बताओ, करके दिखाओ. मालूम है ना,
समझ में आया क्या? हाँ खत्म हो गया वो। समझ में आया क्या यार? एक ही ट्रैक में रफ्तार, डिवाइन, एम्सिस्टेंस तीनों को लपेट लिया। और सबसे फनी मेरे को अपार्ट फ्रॉम इनके पर्सनल क्रेडिट्स को साइड में रख के अगर मैं देखूं तो मुझे एम्सिस्टेंस सर का जो वर्स आया था वो काफी अच्छा लगा। ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, तोड़ूंगा टांग तो करेगा भगड़ा। वो पार्ट बहुत फनी था। और यार वो जब कर रहे थे वो काफी फनी लग रहे थे। फनी लग रहा था वो जैसे ममड़ा ममड़ा कर रहे थे ना ऐसे, वो बहुत फनी था। और ममड़ा ममड़ा ये मराठी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज है ना ये ममड़ा ममड़ा। मैं भूल गई, मैं कुछ बोलने वाली थी तुमने बुला दिया ममड़ा ममड़ा। और हाँ यार स्टार्टिंग में ना जब मैं बोल रही थी कि वॉइस देख, वॉइस वो रफ्तार सर की थी क्योंकि वो बोल रहे थे ना कि शो पे आता है बट वो अभी कमा नहीं रहे, ऐसी कुछ लाइन बोला तो उन्होंने वो उनको हर्ट हुई तो वो लाइन उन्होंने बोला याद आ गया। जो एंड वाला पार्ट था ना, मेरा ही स्टेडियम मेरा ही मैच मैं ही अंपायर, वो वाली लाइन, एक और लाइन थी इसमें मैं मिस कर गई, इसने मेरे को बुला दिया। वो वाली चारों की लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी उनका। वो देखा जब तू बोल रही है ना कि हाँ मेरे ही स्टेडियम और मेरा ही बॉल मेरा ही मैच, ऐसे वो पूरी टांग उन्होंने इतनी खोल रखी थी और मेरा ही स्टेडियम मेरा ही मैच मैं ही अंपायर ऐसे फिर ऐसे कुछ करके लाला बोल दे बोल दे ऐसे ऐसे कुछ काफी। और ये डिस्क गाना नहीं है, जिसको लग रहा है डिस्क गाना है ये सच्चाई गाना है। मैं नहीं ये मेरे अकॉर्डिंग तो यार देखो पूरा डिस्क है, डिस्क ही है पूरा डिस्क है। सच्चाई तुम्हें बोलनी है तो एक आके पर्टिकुलर बोलो, मुंह पे बोलो, आमने सामने बोलो, या फिर एक बार रिकॉर्ड करके तुम उसके बारे में बोल दो। जैसे होता है ना कि हाँ लाइव गए और लाइव पे तुम मैंने बोल दिया ये वो, तो वो हो गई सच्चाई। अब तुम गाने में तुम निकाल रहे हो ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, तोड़ूंगा टांग तो करेगा भंगड़ा, वो बढ़िया लगा मेरे को। नहीं वो वाला वर्स बढ़िया लगा। ठीक है, इनकी आपसी जो भी दुश्मन आई उनको अलग साइड में रख के हमें इस ट्रैक में काफी मजा आया। देखो हमें सुनने के लिए हमने काफी एंजॉय करा है ना, वही कि तू मेरे उस पे होटल पर आया मेरे घर पर आया ये वो पैसे की तूने पैसा लगाया क्या मेरी वीडियो में तूने पैसा लगाया क्या है ना ये सब। आपको कैसे लगा समझ में आ गया कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, हमें तो काफी अच्छा लगा। रिएक्शन वीडियो देख के आपको पता चल ही होगा। इसी बात पे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। डू हिट द बेल आइकन आल्सो टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।